नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज 25 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में जमीन विवाद निपटाने के लिए सरकार शुरू करने जा रही है पुरानी व्यवस्था। बिहार के 11 जिलों में आंधी बारिश और ठनका को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार में बढ़ रहे कोविड-19 के मामले। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अब अगली सुनवाई 27 जून को। देश की टॉप कंपनियां अब आएंगी बिहार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में जमीन विवाद निपटाने के लिए सरकार शुरू करने जा रही है पुरानी व्यवस्था। बिहार में आने वाले दिनों में जमीन विवाद ना हो, इसको लेकर के सरकार जल्द ही पुरानी व्यवस्था को शुरू करने जा रही है। जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में जमीन विवाद से जुड़ी शिकायतों की बढ़ती संख्या को देखकर यह निर्णय लिया गया है। ऐसे में भूमि से जुड़े साधारण विवादों को सुलझाने के लिए बैठक शुरू होने वाली है। मार्च 2020 में कोविड-19 के बढ़ने के बाद ये बैठक अनियमित हो गई थी और हर एक शनिवार होने वाली बैठक में अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष एक साथ बैठक करते थे। गांव के जमीन विवाद में दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर सुलह की कोशिश की जाती थी और उसकी सूचना थाना को देने की जिम्मेदारी चौकीदार की होती है। छोटे विवाद आसानी से सुलझ जाते हैं और इस तरह मुकदमों का बोझ भी कम हो जाता है। अपर मुख्य सचिव ने अब अपने निर्देश में कहा है कि शनिवार की बैठक में विवाद को कम करने के लिए जरूरी निरोधात्मक उपाय किए जाने जरूरी है। बिहार के 11 जिलों में आंधी बारिश और ठनका को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार में इन दिनों मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में बिहार के विभिन्न जिलों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने तो कई जिलों में आंधी तूफान और ठनका और बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। अलर्ट के मुताबिक आज राजधानी पटना, सारण, बक्सर, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा से जमुई जिले में मेघ गर्जन और बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर जिले के कुछ हिस्सों में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो मॉनसून पूरे राज्य में पहुंच गई है। उत्तर बिहार में इसका असर ज्यादा देखा जा रहा है। दक्षिणी बिहार के भी कुछ इलाकों में बारिश संबंधी गतिविधियां होने से तापमान में गिरावट हुई है। हालांकि उमस से लोग जरूर परेशान नजर आए हैं। पीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर भर्ती की मुख्य परीक्षा से जुड़ा नोटिस हुआ जारी। बिहार लोक सेवा आयोग में प्रोजेक्ट मैनेजर भर्ती के मुख्य परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए नोटिस जारी किया गया है, जो कि अभ्यर्थी बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जारी कर दी गई है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार विज्ञापन संख्या 2/2022 उद्योग विभाग बिहार के तहत जिला उद्योग केंद्र में परियोजना प्रबंधक मुख्य लिखित परीक्षा के लिए विज्ञापन 22 जून 2022 को प्रकाशित किया गया है। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 जून 2022 से शुरू होना था, लेकिन सर्वर मेंटेनेंस एक्टिविटी के कारण दिनांक 24 जून 2022 शुक्रवार को शाम 9 बजे से 27 जून 2022 सोमवार को रात 9 बजे तक बाधित रहेगी। ये भर्ती परीक्षा प्रोजेक्ट मैनेजर के रिक्त 69 पदों को भरने के लिए हो रही है। इसके बाद व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। इसको लेकर बीपीएससी की तरफ से भी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड www.bpsc.nic.in पर जाकर जमा कर सकते हैं और एग्जाम से एक सप्ताह पहले डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार में बढ़ रहे हैं कोविड-19 के मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 152 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 575 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 1, अरवल में 1, बांका में 6, बेगूसराय में 2, भागलपुर में 10, गया में 3, जहानाबाद में 1, कटिहार में 5, खगड़िया में 2, किशनगंज में 2, मधेपुरा में 1, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 8, नालंदा में 2, पटना में 85, रोहतास में 1, सहरसा में 4, समस्तीपुर में 4, सारण में 2, शेखपुरा में 1, सीतामढ़ी में 4, सिवान में 1, सुपौल में 3 मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही एक ऐसे मामले की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन उनके सैंपल बिहार के दूसरे जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,44,665 सैंपल की जांच की गई। वहीं इस दौरान 67 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। पटना जेपी सेतु से गंगा पथ होते हुए 10 मिनट में अब होगा पीएमसीएच का रास्ता। जेपी गंगापथ पर शुक्रवार से वाहन फर्राटा भरने लगे हैं। इसके उद्घाटन को लेकर गंगापथ पर कई गेट को सजाया गया था। इसके साथ ही स्टेज भी बनाया गया था जहां पर उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सबसे खास बात यह रही कि गंगापथ के चालू हो जाने से अब इनसे 20 मिनट और जेपी सेतु से 10 मिनट में पीएमसीएच पहुंचा जा सकता है। इसके साथ ही दीघा की दूरी भी 20 किलोमीटर है और जेपी सेतु से पीएमसीएच तक की दूरी 7.5 किलोमीटर है। पीएमसीएच तक गंगापथ बांध के ऊपर बनाया गया। इसमें आगे पीएमसीएच तक 1 किलोमीटर तक एलिवेटेड रोड है। 4 लेन वाले गंगापथ पर शहर की तरफ आने वाले 2 लेन से ही पीएमसीएच तक आना जाना होगा। हालांकि इसका इस्तेमाल सिर्फ मरीज और उनके परिजन ही कर सकते हैं। आम लोग एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक ही जा सकते हैं। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र में इतने करोड़ का रखा गया अनुपूरक बजट।
बिहार विधानमंडल में मॉनसून सत्र के पहले दिन शुक्रवार को अग्निपथ योजना पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके तहत 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही वामपंथी दलों के विधायकों ने केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर जोरदार विरोध किया और विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें समझा बुझाकर शांत करवाया और संबोधन शुरू किया। हंगामे के बीच 43,775.2315 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट रखा गया है। वहीं बीते दिन शुरू हुए मॉनसून सत्र में सबसे पहले विधानसभा के इतिहास और मौजूदा क्रियाकलापों की चर्चा हुई, जिसमें ही विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस बार सदन में उत्कृष्ट विधायक चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए सभी को इसमें सुझाव देना चाहिए। इसके बाद अभ्यर्थी सदस्यों के नाम की घोषणा भी की गई और कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया गया। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अब अगली सुनवाई 27 जून को। बिहार से निकले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के संदेहास्पद मौत की जांच सही ढंग से कराने की याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई बीते दिन टल गई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मुंबई के अंतिम वर्ष के छात्र देवेंद्र देवता ने हाल ही में एक याचिका दायर की थी, जिस पर ही चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने बीते दिन जन सुनवाई की। याचिका में कोर्ट को बताया गया है कि सीबीआई सुशांत के उनके मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में संदेहास्पद मौत की जांच कर रही थी। इसमें अनुरोध किया गया था कि कोर्ट जांच कर रही सीबीआई के अधिकारियों को बदलकर नए अधिकारियों को और नई सीबीआई की टीम को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी दे कि हाईकोर्ट में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दे। इसके बाद अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 जून को होने वाली है। पटना जंक्शन के पास बनेगा राजधानी पटना का पहला अंडरग्राउंड सबवे। बिहार की राजधानी पटना के पटना जंक्शन पर आने वाले यात्रियों को अब राहत मिलने वाली है, क्योंकि पटना जंक्शन पर जल्द ही सबवे का निर्माण जोर शोर से किया जा रहा है। पटना स्मार्ट सिटी की योजना के अंतर्गत 440 मीटर सबवे का निर्माण किया जा रहा है। ये राजधानी का पहला भूमिगत सबवे होगा, जिसमें एक्सीलेटर के साथ चार एक्सीलेटर दोनों की सुविधा होने वाली है। इसके साथ ही सहायता से यात्री एक जगह खड़े होकर के सबवे का पूरा सफर भी कर सकेंगे। करीब 69 करोड़ की लागत से बन रहे सबवे का काम साल 2024 तक पूरा करने की उम्मीद है। पटना स्टेशन के पास बनने वाला सबवे दो खंडों में होगा। रेलवे स्टेशन से मल्टी लेवल पार्किंग तक 340 मीटर का हिस्सा भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड होगा। ये जमीन से करीब 5.5 मीटर नीचे होगा और सबवे का दूसरा हिस्सा 100 मीटर का होगा, जो कि मल्टी लेवल पार्किंग से जीपीओ के पास तक होगा। बिहार की हवा अन्य प्रदेशों से कम खतरनाक। बिहारवासी अब राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि बिहार की हवा अन्य राज्यों की तुलना में कम खतरनाक है। इसकी वजह यह है कि यहां के PM2.5 में उद्योग से निकलने वाले रासायनिक तत्व बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इससे फेफड़ों तक पहुंचने वाले ये कम विषाक्त हैं, इसलिए रासायनिक तत्वों की मौजूदगी की जानकारी के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने पटना, मुजफ्फरपुर, गया के PM2.5 की जांच का निर्णय लिया है। इन शहरों के PM2.5 की रासायनिक जांच करवाने के लिए परिषद ने इसका नमूना मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में भेजा है। इसकी रिपोर्ट 2 सप्ताह में आएगी। अन्य राज्यों और देशों में PM2.5 की जांच का विश्व बैंक में अनुरोध करने वाले हैं, जिसके बाद ही आप विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग से राज्य सरकार के राज्य स्तरीय वायु कार्य योजना विकसित कर रही है, जिसमें इसका नाम बिहार स्वच्छ वायु कर रखा गया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने निकाली रिक्तियां। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने विशेषज्ञ संवर्ग अधिकारी के प्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक के कुल मिलाकर 226 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी में बीटेक, बीई या संबंधित विषय में स्नातक, पीजी में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 10 जुलाई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.idbibank.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। मुंगेर के गोयनका शिवालय में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। तालाब के बीच बने गोयनका शिवालय श्रद्धालुओं के साथ ही मुंगेर आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बिंदु है। तालाब के चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, पौधे आदि मंदिर के सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। शिव मंदिर एक बड़ी पानी की टंकी के बीच में बनाया गया है, जो बड़ी और सुंदर मछलियों से भरा है, इसलिए लोग इसे मछली तालाब के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर का निर्माण गोयनका परिवार द्वारा अपने इष्ट और कुलदेवता के निजी मंदिर के स्वरूप में लगभग 1895 में करवाया गया था। श्वेत संगमरमर से निर्मित और जल में अवस्थित शिवालय श्री वैद्यनाथेश्वर स्तंभ पर विराजित है। बीपीएससी पेपर लीक मामले में केंद्र अधीक्षक की हुई गिरफ्तारी। बीपीएससी 67वीं परीक्षा के पेपर लीक होने के साथ ही सरकार अपनी भद पिटवा चुकी है। इस बीच अब आर्थिक अपराध इकाई की टीम को बड़ी कामयाबी मिली, जिसके तहत ही ईओयू की टीम ने पेपर लीक मामले में शक्ति कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। बीपीएससी के 67वीं परीक्षा के दौरान शक्ति कुमार गया के डेल्हा में स्थित रामशरण सिंह कॉलेज के सेंटर सुप्रिंटेंडेंट केंद्र अधीक्षक शक्ति कुमार ने कबूल किया है कि डॉक्यूमेंट स्कैन मोबाइल ऐप के जरिए सेट सी के पेपर को स्कैन किया गया था और उसे कपिलदेव नाम के व्यक्ति को व्हाट्सएप किया गया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीपीएससी पेपर लीक मामले में ये 15वीं गिरफ्तारी है। पटना हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश इंदु प्रभा सिंह का निधन। पटना हाईकोर्ट के इतिहास में प्रथम महिला जज होने का गौरव हासिल करने वाली पूर्व न्यायाधीश इंदु प्रभा सिंह का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली है। वो 77 साल की थी। इंदु प्रभा सिंह के निधन पर कई पूर्व न्यायाधीशों और हाईकोर्ट के वकील ने भी शोक जाहिर किया है। पटना हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश इंदु प्रभा सिंह का जन्म
मुजफ्फरपुर जिले के कमरथू गांव में हुआ था। इनके पिता स्वर्गीय महेश्वर सिंह जाने माने अधिवक्ता और लोक अभियोजक थे। उन्होंने शिक्षा मुजफ्फरपुर और पटना में प्राप्त की थी। इन्होंने अपनी वकालत 1971 से पटना हाईकोर्ट में शुरू की थी और हाईकोर्ट में बतौर गवर्नमेंट प्लीडर भी काम कर चुकी थी। जल संसाधन विभाग ने दी सहायक अभियंताओं को प्रभारी कार्यपालक अभियंता में प्रोन्नति। जल संसाधन विभाग ने बीते दिन कार्यकारी व्यवस्था के तहत 164 सहायक अभियंताओं को प्रभारी कार्यपालक अभियंता में प्रोन्नति दी है। यह अस्थायी रूप से लागू रहेगी और भविष्य में इसमें कोर्ट के निर्णय के अनुसार बदलाव हो सकता है। संवर्गीय प्रोन्नति पर प्रभावी रोक के कारण विभाग ने इन्हें वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कार्यकारी प्रभार दिया है। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर मामला कोर्ट में होने की वजह से फिलहाल विभागीय प्रोन्नति पर रोक है। अग्निपथ उपद्रव के दौरान नेट बैंक डेटा क्षति की भरपाई करेगा एयरटेल। अग्निपथ योजना को लेकर शुरू हुए विरोध के बाद जिस तरीके से इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थी उसको लेकर अब अलग अलग कंपनी आगे आ रही है। हाल ही में एयरटेल कंपनी ने अपनी तरफ से 3 दिनों का डेटा वैलिडिटी बढ़ाने की बात की है और इसको लेकर फोरम में समझौता करने का आग्रह भी किया। कंपनी की तरफ से हाल ही में प्रस्ताव पेश किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते दिनों मीडिया में आई ऐसी खबरें आई थी कि बिहार के आरा के आनंद प्रकाश की तरफ से राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में टेलीकॉम कंपनी पर उपद्रव के दौरान शासन की नेटबंदी के दौरान 4 दिनों तक का डेटा और इस दौरान लगने वाले वैलिडिटी को बढ़ाने का दावा किया गया था, जिसके बाद कंपनी ने यह फैसला किया है। हालांकि कंपनी की तरफ से दिए गए प्रस्ताव को युवक ने मानने से इनकार कर दिया है। युवक का कहना है कि वो केवल उसके हाथ की नहीं है बल्कि पूरे समाज के लाखों उपभोक्ताओं की लड़ाई है। सीएम ने वज्रपात से 3 की मौत पर जताया शोक। बिहार में 3 लोगों की मौत बीते दिन वज्रपात से हो गई, जिस पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रभावित परिवारों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वो प्रभावित परिवारों के साथ है। मुख्यमंत्री ने सभी मृतक के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरते। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझावों का अनुपालन करें। खराब मौसम में घरों में रहे और सुरक्षित रहे। बिहार के कई जिलों में बरसात के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं हो रही है। मौसम विभाग ने भी राज्य भर में अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार बीएड की प्रवेश परीक्षा की नई तारीख हुई जारी। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 6 जुलाई को पूर्व निर्धारित केंद्रों पर होने वाली है। पहले यह परीक्षा 23 जून को तय थी, मगर अग्निपथ योजना के विरोध में हुए उपद्रव के कारण स्थगित कर दी गई। नई तारीख में परीक्षा आयोजन को लेकर शुक्रवार को बीएड राज्य नोडल केंद्र ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने 9 जिलों के डीएम के साथ ऑनलाइन बैठक बुलाई थी। इसमें ही शामिल संबंधित जिलों के डीएम और अधिकृत पदाधिकारियों ने 6 जुलाई को परीक्षा आयोजन की सहमति दी थी। मधेपुरा और मुंगेर के अधिकृत पदाधिकारियों से राज्य नोडल पदाधिकारी ने फोन पर सहमति ली। कुलपति ने कहा कि परीक्षा 6 जुलाई को होगी। यह तीसरी बार है जब मिथिला विश्वविद्यालय बीएड परीक्षा आयोजित की जिम्मेदारी ले रही है। देश की टॉप कंपनी अब आएंगी बिहार। देश की टॉप कंपनियां अब बिहार आने वाली है। ये दावा बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने किया है। उन्होंने दिल्ली में आयोजित सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स समिट 2022 में देश की बड़ी सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक कंपनियों के प्रतिनिधियों से बिहार में सेक्टर में निवेश करने की अपील की है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि औद्योगिकीकरण की तरफ से तेजी से आगे बढ़ रहे बिहार में निवेश के लिए नए नए सेक्टर तैयार हो रहे हैं। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी निवेश के लिए बिहार बेहतरीन डेस्टिनेशन बन गया है। बिहार में बढ़ते उद्योग और इसके आसपास के राज्य और पड़ोसी देश को मिलाकर करीब 55 करोड़ की आबादी के बड़े बाजार का फायदा बिहार में निवेश करने वालों को मिल रहा है। इसलिए बिहार में सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स सेक्टर में निवेश फायदे का सौदा है। बिहार में उच्च शिक्षा को लेकर भाजपा जदयू आमने सामने। बिहार में उच्च शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को लेकर जदयू और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा विभाग जदयू के पास है और उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उच्च शिक्षा में नहीं हो रही पढ़ाई पर 3 साल में पूरी हो और इसको लेकर के काम किया जाना जरूरी है। साल 2019 में स्नातक में नामांकित छात्रों को अब तक दूसरे साल की परीक्षा देना बाकी ही है। ऐसी व्यवस्था हो कि छात्रों को परीक्षा समय पर हो सके और इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। मुझे हंसी आती है कि जदयू ने योजना पर पुनर्विचार करने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने संजय जायसवाल पर पलटवार किया और कहा कि कॉलेज के नियमितीकरण का अधिकार राज्य सरकार के पास है ही नहीं। भाजपा में बढ़ा ललन सिंह का कद। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कद अब पार्टी के अंदर बढ़ने लगा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान इसकी झलक देखने को मिली, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में भाजपा के सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को नाम लेकर के उन्हें आगे बुलाया और पहली लाइन में लगी कुर्सियों पर अपनी कुर्सी से 1 कुर्सी बाद भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के बगल में बिठाया। नामांकन के दौरान पहली पंक्ति में मुर्मू के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री सिंह और ललन सिंह बैठे थे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दौरान दूसरी पंक्ति में बैठे नजर आए। जानकारों की माने तो एनडीए में भाजपा के बाद जदयू ही दूसरे नंबर की पार्टी है। इस लिहाज से एनडीए कैंडिडेट के नामांकन में ललन सिंह को तवज्जो मिलना वाजिब बात है।
अपने पिता के अंदाज में नजर आए तेजस्वी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने खास अंदाज के कारण हमेशा सुर्खियों में बने रहते थे। वहीं अब तेजस्वी की चर्चा भी होने लगी है क्योंकि हाल ही में तेजस्वी यादव अपने पिता के आवभाव में नजर आए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीते दिन अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचे थे। विधानसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद तेजस्वी जब गंगा पार कर पहुंच रहे थे तो अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से दिए गए खोया का आनंद लेने से खुद को रोक नहीं पाए। तेजस्वी ने खुद इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए बताया कि राघोपुर की जनता की तरफ से मिली शुद्ध दूध का खोया खाने का आज उन्हें मौका मिला। इसी अंदाज में लालू प्रसाद यादव भी वो खोया दही खाया करते थे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मुगल शासक बाबर 529 में बंगाल पर विजय प्राप्त कर अपनी राजधानी आगरा लौटा। बाबा सोहन सिंह की अध्यक्षता में गदर पार्टी का गठन 1913 में हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम ने 1932 में ब्रिटेन के लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेला। जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने 1940 में पेरिस फ्रांस में नेपोलियन की कब्र और एफिल टावर देखा। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 1975 को देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की थी। भारत ने 1983 वेस्ट इंडीज को 43 रनों से हराकर पहली बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2008 में मकान और प्लॉट की रजिस्ट्री सस्ती कर उस पर लगने वाले स्टैंप शुल्क 8% से घटाकर 5% कर दिया। बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 को हुआ। ब्रिटिश राजनेता नौसेना प्रमुख और भारत के अंतिम वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन का जन्म 1900 में हुआ। म्यूजिक और डांस की नई परिभाषा लिखने वाले माइकल जैक्सन ने 2009 में दुनिया को अलविदा कह दिया था। संजय मांजरेकर ने इन तीन स्पिनर्स को बताया गेम चेंजर। भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की टी20 सीरीज रविवार से शुरू होने वाली है। सीरीज में कई नए चेहरों को मौका देने की संभावना है। आईपीएल में कई सीजन में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे कुछ खिलाड़ियों को इस सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह मिली है और आयरलैंड के खिलाफ वो मिले मौके को भुनाकर टी20 वर्ल्ड कप पर नजरें गड़ाए हैं। इसी बीच अब भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने चहल को टी20 टूर्नामेंट के लिए एक पक्का दावेदार माना है जो सिर्फ 4 महीने दूर है। उन्होंने टूर्नामेंट के लिए युवा रवि बिश्नोई और फिंगर स्पिनर अक्षर पटेल का भी समर्थन किया। वहीं उनका मानना है कि कुलदीप यादव भी भारतीय टीम में जगह बना सकते हैं अगर वो फिट होते हैं। कुलदीप ने आईपीएल 2022 में 21 विकेट लिए थे। चुपके से देखे किसी का भी व्हाट्सएप स्टेटस। मेटा ने जहां एक तरफ व्हाट्सएप के मैसेजिंग रिलेटेड फीचर्स को रिफाइन किया है वहीं इसने कुछ और सोशल फीचर्स भी दिए हैं जैसे कि स्टेटस जो काफी हद तक इंस्टाग्राम स्टोरीज के समान है। हालांकि इन सब के बीच अब आप चुपके से किसी का भी व्हाट्सएप स्टेटस देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले निश्चित रूप से रीड रिसिपिएंट है। अब हम सभी जानते हैं कि रीड रिसिपिएंट यूजर को यह देखने देता है कि क्या उनका मैसेज उन लोगों तक डिलीवर्ड हुआ है और पढ़ा जा चुका है या नहीं जिनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं। यही नहीं स्टेटस अपडेट पर भी लागू होता है। इसका मतलब है कि अगर आप ऐप में रीड रिसिपिएंट को बंद कर देते हैं तो आपके दोस्त को इसकी सूचना नहीं दी जाएगी कि आपने उनका स्टेटस देखा है या नहीं। बिहार में न्यायाधीशों की सुरक्षा बढ़ाने को दिया गया निर्देश। बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था संजय सिंह ने सभी जिलों के वरीय आरक्षी अधीक्षकों को पत्र लिखकर न्यायालय कोर्ट में लगे न्यायाधीशों के आवासीय परिसर और कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का निर्देश जारी कर दिया है। इसको लेकर उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा खुद वरीय अधिकारी करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर इसमें सुधार भी होगा। एडीजी के पत्र के आलोक में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुख्य सचिव ने भी इस मामले में कई बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बिहार कोसी में न्यायाधीशों के लिए आवास की अलग से व्यवस्था कर दी गई है। मुंगेर प्रमंडल के लखीसराय जिले में न्यायाधीशों के लिए अलग से आवास की व्यवस्था नहीं है। न्यायाधीश प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही रहते हैं। यही स्थिति अन्य जिलों की भी है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया उनके नाम है लवकुश कुमार, गौतम कुमार, अनिश कुमार सिंह, सूरज कुमार, मिथुन कुमार पंडित, गौतम कुमार, रंजीत मिश्रा, शिवराम सम्राट कुमार, रॉय सौरभ मिश्रा, वैद्यनाथ ठाकुर। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार की नीतीश सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन करवाने में सफल हुई है या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।